नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैकेनिकल थर्ड सेम के वह सभी स्टूडेंट जिनकी यूनिवर्सिटी आरजीपीवी डिप्लोमा है, उन सभी स्टूडेंटों के जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इनका पहला सब्जेक्ट है वह है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अभी जो पेपर होना है वह पहला पेपर होना है, क्योंकि ये न्यू सिलेबस है और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके पहले ही पेपर ही होना है। सिर्फ आप लोगों को उसका पैटर्न पता है कि पेपर इस तरह के आ सकता है, लेकिन ये पता नहीं है कि कौन कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज हम लोग कोशिश करेंगे ये जानने की कि जो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है इसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने के लिए, समझने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो सिलेबस है उसको मोबाइल में ओपन कर लें या फिर कॉपी और पेन रख लें और उसको नोट कर लें। अब आपको ध्यान से सुनना है, सिलेबस आपको ओपन करना, उसका पहला चैप्टर होगा, देखेंगे यूनिट फर्स्ट लिखा होगा इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स, इसको सिर्फ ओपन कर लें या फिर इसकी हेडिंग डाल लें इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स या फिर यूनिट फर्स्ट लिख लें। जो मैं टॉपिक यहां पर हाईलाइट करूंगा तो जैसे उसमें क्वेश्चन बताऊंगा वही आपको नोट कर लेना। सबसे पहले आप यहां पर नोट करेंगे, यहां पर लिखा आपको दिख रहा हो टाइप्स ऑफ सिस्टम, क्या लिखा, टाइप्स ऑफ सिस्टम, इस टॉपिक को आपको नोट कर लेना। क्वेश्चन इस पर पूछे जा सकता है कि जो सिस्टम है उसके टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, उनको एक्सप्लेन करिए विथ डायग्राम या विथ एग्जाम्पल, या फिर जो जितने टाइप्स के सिस्टम होते हैं उन पर सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, किसी एक या दो को एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, कितने भी नाम दे सकते हैं, हमें सभी टाइप्स के सिस्टम याद करना है। पहली बात आपको समझ में आ गई होगी, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब यहां पर कई लोग बोल रहे होंगे सर पैटर्न कैसा आएगा, तो पैटर्न आपको याद रखें, आप सभी लोग पहले और दूसरे सेमेस्टर के एग्जाम दे चुके हैं, बिल्कुल सेम का सेम पैटर्न होने वाला है जो आप फर्स्ट ईयर में पेपर दे चुके हैं उसी तरह का, कि 8 क्वेश्चन होंगे उसमें से 5 करने होंगे। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक ऑब्जेक्टिव कंपलसरी भी होगा, वो 5 तो करने ही होंगे। 70 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 70 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा उसमें आप देखेंगे ऑलरेडी स्कीम में लिखा हुआ है, तो 70 मार्क्स मैक्सिमम पेपर में आएंगे, उसमें से जितने भी आप प्राप्त करते हैं। और पासिंग मार्क्स कितना रहता है, 22 रहता है उसमें से, तो 22 नंबर तो हमें लाना ही पास होने के लिए। तो पहला टॉपिक आपने लिख लिया होगा। सेकेंड टॉपिक आप जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, क्या लिखा, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, समझाइए सिस्टम की प्रॉपर्टीज दो टाइप्स की होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इस पर नॉर्मली प्रॉपर्टीज समझाने के लिए पूछा जा सकता है, या जो मैंने नाम बताया इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इन दोनों के डायरेक्ट नाम लिख कर आ सकते हैं और बोला जा सकता है कि इनको एक्सप्लेन करिए या फिर दोनों में डिफरेंस बताइए, या डायरेक्ट लिखा आ सकता है कि सिस्टम की प्रॉपर्टीज समझाइए। कितने हो गए, 2 क्वेश्चन या 2 टॉपिक आप हाईलाइट कर लें, इनको नोट करके लिख लें। थर्ड टॉपिक चलेंगे, यहां पर लिखा जीरोथ लॉ, क्या होता है जीरोथ लॉ, ये जीरोथ लॉ लिखा, ये जीरोथ लॉ इसको आप हाईलाइट कर लें, बिल्कुल लिख कर रख लें, जीरोथ लॉ पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो थर्ड क्वेश्चन कौन सा होगा, जीरोथ। फिर यहां पर क्या होता है फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, इनके हमें स्टेटमेंट जो भी दिए गए उनको बड़े अच्छे से तैयार कर लेना, कौन सा फर्स्ट लॉ का हमें स्टेटमेंट तैयार करना और इसकी जो इक्वेशन होती है वह भी हम अच्छे से तैयार करना, डेरिवेशन भी पूछा जाए तो हम ऐसा बोल नहीं सकते, लेकिन फर्स्ट लॉ को हमें अच्छे से तैयार कर लेना। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एजम्पशन आ सकते हैं। अब यहां पर सेकेंड लॉ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके जो स्टेटमेंट होते हैं, यहां पर लिखे देखो केल्विन स्टेटमेंट लिखा है और क्लॉसियस स्टेटमेंट, ये दोनों सेकेंड लॉ के अंदर क्या होते हैं, इन दोनों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट लिखने को आता है, तो ये दोनों हमें क्या केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस स्टेटमेंट, इन दोनों को अच्छे से याद कर लेना है। यहां पर कुछ नॉन फ्लो फ्लो प्रोसेस है, लेकिन यहाँ कंसेप्ट हीट पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस पे, एंथैल्पी एंड हीट, आपने सुना होगा एंथैल्पी और हीट और एंट्रोपी, ये तीनों छोटे छोटे वर्ड हैं, क्योंकि क्वेश्चन एबीसी करके पूछे आएंगे तो इन पे नॉर्मली डेफिनेशन पूछ सकते हैं, तो हीट
क्या हो गया हमारा, वर्क हो गया, एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गई। ये छोटी छोटी डेफिनेशन हमें याद कर लेना। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट आता, हीट पंप हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इन पे क्या होगा, ये नॉर्मली हीट पंप और जो हमारे हीट इंजन है और रेफ्रिजरेटर, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे इन पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, हो सकता है इस बार ना पूछा जाए या फिर पूछा भी जा सकता है। इनकी जो जैसे हीट इंजन है उसकी इफिशियंसी निकालना आना चाहिए मुझे, और जो हमारा कौन सा है हीट पंप है और रेफ्रिजरेटर है उसकी सीओपी निकालना आना चाहिए। तो नॉर्मली सीओपी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन तीनों की सीओपी क्या होती है और कैसे इसको निकालते हैं, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, इन छोटी छोटी डेरिवेशन है, बड़े आसानी से बन जाएंगे, तो उनको एक बार अच्छे से देख लें। कार्नोट साइकिल पे के जो डायग्राम होते हैं, कौन से, टीएस डायग्राम और पीवी डायग्राम, इन पर डायरेक्ट ये दोनों बनाने को आ सकते हैं। कौन सा, टीएस डायग्राम और पीवी डायग्राम, इसका कार्नोट साइकिल का। तो जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था कि एंट्रोपी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। अब यहां पर बात आती है इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे कि नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है क्यों इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो जो पूछे जा सकते हैं उस पर मैं आगे वीडियो बना दूंगा बहुत जल्द, और पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेंशन न लें आप लोग, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, पूछे जा सकते हैं। लेकिन जो मैंने थ्योरी अभी हाईलाइट कर दी, आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल डरना नहीं है, इन टॉपिकों को अच्छे से नोट कर लें और जितना जितना भी बहुत सारा मटेरियल है उसको छोड़ दें, सीधे इन्हीं को आप रट लें। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको फेल कोई नहीं कर सकता है। तो पहले चैप्टर में जितने मैंने बताया उनको रट लें, और किसी के पास मटेरियल नहीं है तो उसकी आप चिंता ना करें। जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख रहा है, जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं उसके नीचे देखेंगे आप, तो मोर लिखा हुआ, मोर जिसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स बोलते हैं, उस मोर पर क्लिक कर दें। जैसे ही मोर पर क्लिक करेंगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। स्टार्टिंग में ही मैंने कि इस सब्जेक्ट के नोट्स कैसे मिलेंगे उस पर एक वीडियो बना दिया, उस वीडियो को देख लें। वहां से आप हमारी एबी क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, उसकी प्रोसेस उसमें बताइए, वो कंप्लीट कर लें और नोट्स मिल जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं जब एक सब्जेक्ट बैक होता तो उसकी फीस कितनी है, लगभग 350 रुपए, और यहाँ पर हम आपको कितने में, 399 में पांच सब्जेक्ट के, कितने, पांच सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। मतलब आपका एक सब्जेक्ट धोखे से बैक भी हो जाता तो उसकी कीमत ही ओनली 350 रुपए होती है। उम्मीद आप ये सब्जेक्ट बैक ना, उसको बचाने के लिए ये जो 399 रुपए इसका लोभ नहीं करेंगे, नहीं। और उसके क्या होता, जब बैक होता तो कितने महीने लगते, 6-7 महीने में पेपर होता, दोबारा से फिर से उतनी मेहनत करनी पड़ती, तैयारी करनी पड़ती। तो इसका जो 399, इसका लोभ ना करें और इसको खर्च करके नॉर्मली, क्योंकि उसमें नोट्स बनाने में थोड़ी मेहनत लगी इसलिए पैसे लग रहा है, टाइपिंग वगैरह हिंदी इंग्लिश में बहुत मेहनत लगती है इसलिए पैसा लिया जा रहा है, तो इसका लोभ ना करें। पांचों सब्जेक्ट आपको इतने मिल जाएंगे, कैसे मिलेंगे उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। और भी सब्जेक्टों की जो लिंक है, प्लेलिस्ट की लिंक होती है, जो प्लेलिस्ट के लिंक है जिसमें सभी वीडियो मिल जाएंगे, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलते हैं अब सेकंड चैप्टर की बात करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अब आप सेकंड चैप्टर ओपन करेंगे और सेकंड चैप्टर की हेडिंग डाल के जो भी पॉइंट, जो भी मैं यहाँ पर टॉपिक बताऊंगा लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर का नाम हीट ट्रांसफर एंड थर्मल पावर प्लांट। सबसे पहले सबसे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर की आपको क्या करना है, इसके अंदर मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर के अंदर कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है। ये जो तीनों टाइप्स के मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, इन तीनों को अच्छे से समझ लेना, रख लेना। क्या मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तीनों को बड़े अच्छे से समझ लेंगे। तीनों पर क्वेश्चन, मतलब तीनों लिखने को एक साथ आ सकते हैं, जिसमें मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर लिखा आ जाएगा या तीनों में से किसी को भी पूछा जा सकता है। तो आप पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे हीट ट्रांसफर के अंदर। दूसरा क्वेश्चन जो इसका फॉरियर्स लॉ है, कौन सा फॉरियर्स लॉ है, तो जो फॉरियर्स लॉ है, फॉरियर्स लॉ है, इसको आप इसका विथ डेरिवेशन अच्छे से समझ लें, और इसका डेरिवेशन साथ इसके फॉर्मूले भी याद करना, क्योंकि इस पर क्या, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। क्या न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ है, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर याद करना है, फिर फॉरियर्स लॉ हमें समझना है, इसका स्टेटमेंट याद करना है, और उस पर जो न्यूमेरिकल पूछे आएंगे, जो मैं ऑलरेडी इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करवा चुका हूं, आप जो इसकी प्लेलिस्ट है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा लिखा हुआ उसमें आपको ये मिल जाएगी, उतने तो न्यूमेरिकल आप करके जाए।
तो दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस पर, न्यूमेरिकल बनते हैं, फॉरियर स्लो बनता है, मोर्स ऑफ हीट ट्रांसफर बनते हैं। बकाया कुछ भी पूछा जा सकता है, हम लोग मतलब ऐसा बोल नहीं सकते, लेकिन मेरा जो आइडिया आप इतने जितने मैं बता रहा हूं उतने क्वेश्चन तैयार कर। सेकेंड, इसका जो थर्मल पावर प्लांट वाला वो है पोर्शन, यहां पर न्यूमेरिकल इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, इससे आपको याद रहा है, इसके न्यूमेरिकल हमें तैयार करना। थर्मल पावर प्लांट के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली थर्मल पावर प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप्स के प्लांट वो आते हैं प्लांट, लेकिन अभी हमें जो इंपॉर्टेंट क्या है, रैंकाइन साइकिल को थोड़ा सा समझ लेना। रैंकाइन साइकिल क्या होती है, कैसे इसका इसका डेरिवेशन किया जाता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, और साइकिल वगैरह साइकिल कैसे बनती है, तो हमें थोड़ा सा याद कर लेना। लेकिन ये दो क्वेश्चन और बन सकते हैं इसमें, एक फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब में क्या डिफरेंस है, फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब में क्या डिफरेंस है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उस पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉलर के ऊपर, ये वाला, ये जो बॉलर है, मतलब आप इसको भी याद करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं क्योंकि याद तो सब कुछ पढ़ के जाए भाई, अचानक पूछ दिया उसने, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलते हैं IMP, ये टॉपिक तो आपको रट के ही जाना है, कौन सा, बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉलर, लेकिन इसको भी साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, ये सबकी थ्योरी मैंने प्रोवाइड की है। और दूसरा IMP टॉपिक कौन सा बनता है, ये वाला बनता है, इसको भी आप रटके जाएं। बकाया रैंकाइन साइकिल भी आप थोड़ा सा मतलब पढ़ के तो जाना ही पड़ेगा, थर्मल पावर प्लांट क्या होता है ये भी पढ़ के जाएं। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसकी थ्योरी मैंने प्रोवाइड कराई है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पे भी मैं टिक करते हुए जा रहा हूँ, उनको तो रट लें। यहाँ पर क्या रट लें, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर हो जाएगा IMP, और हमारा क्या हो जाएगा, फॉरियर जो लॉ है ये IMP हो जाएगा, इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे वह भी IMP हो जाएंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ न्यूमेरिकल ये भी IMP। तो ये सेकंड चैप्टर आप समझ गए होंगे किस तरह में याद करना है, क्या क्या तैयार करना है, सब कुछ नोट करते हुए चलें। अब चलेंगे थर्ड चैप्टर की ओर, थर्ड चैप्टर है तो थर्ड चैप्टर लिखकर हेडिंग डाल के फिर से स्टार्ट कर दें। ये चैप्टर का नाम है स्टीम टर्बाइन, पहला टॉपिक क्या है, स्टीम टर्बाइन। स्टीम टर्बाइन के अंदर देखें तो ये हमें जो इंपल्स टर्बाइन है और रिएक्शन टर्बाइन है, इन दोनों में हमें डिफरेंस याद करना है, क्या इंपल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन में क्या डिफरेंस होता है, और सेपरेट विथ डायग्राम थोड़ी सी इसकी क्या वर्किंग हमें समझ लेना है, इंपल्स और रिएक्शन टर्बाइन की वर्किंग समझना है मुझे विथ डायग्राम, और हमें क्या है इनमें डिफरेंस समझ लेना है। इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा जाता था इंपल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन पर। थर्ड क्वेश्चन जो इस पर इंपॉर्टेंट बनता, सॉरी सेकंड क्वेश्चन बनता है वो है सरफेस कंडेंसर पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पर सरफेस कंडेंसर, तो सरफेस कंडेंसर भी क्या है IMP है, और ये भी क्या बनते हैं यहाँ पर IMP क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन क्या होगा, इंपल्स और रिएक्शन टर्बाइन याद करना है, फिर हमें सरफेस कंडेंसर को अच्छे से समझ लेना। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम किसमें, जो हमारा IC इंजन लिखा है, इंटरनल कंबशन इंजन है, रेफ्रिजरेटर में देखेंगे, तो जो ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल इन दोनों को तैयार करना। यहाँ पर डुअल साइकिल थोड़ा सा स्किप भी कर देंगे चलेगा, लेकिन ऑटो साइकिल डीजल साइकिल इन दोनों को तैयार करना। तैयार कैसे करना है, इनके हमें PV डायग्राम और जो TS डायग्राम है ये बनाना सीख लेना, PV और TS डायग्राम दोनों की बनाना सीख लेना, दोनों की डायरेक्ट बनाने को आ सकते हैं। इसके अलावा सबसे शॉर्ट में याद करना हुआ करना, ऑटो साइकिल क्या होती, ऑटो साइकिल हमारी क्या होती है और डीजल साइकिल क्या होती है, और इसकी जो डेरिवेशन है छोटा सा, सिर्फ इफिशियंसी निकालना सीख लें, इफिशियंसी कैसे निकालते हैं इतना आपको जरूर सीखना है ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल के बारे में। यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं लिखा है और पूछा जाता है तो इन दोनों साइकिल पर ही पूछा जाएगा, ऑटो और डीजल पर, तो इसके अंदर हमें ऑटो डीजल साइकिल बड़े अच्छे से समझ लेना जैसा जैसा मैंने बताया। अब IC इंजन के अंदर तो 2 स्ट्रोक लिखा है, 4 स्ट्रोक लिखा है, पहला क्वेश्चन बनता है 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में क्या डिफरेंस होती है। 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में हमें इसकी जो दोनों के डिफरेंस होते हैं, जो अंतर होते हैं, उन या कंपेयर करना, कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बड़े अच्छे से याद कर लें। फिर होता हमारा जो SI इंजन है और CI इंजन है, इन दोनों में भी डिफरेंस हमें अच्छे से याद कर लेना। नॉर्मली SI इंजन CI इंजन में जब डिफरेंस हम याद करेंगे या इनको कंपेयर कैसे करेंगे वह सब याद कर लेंगे, तो सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जाता है SI इंजन क्या होता है, CI इंजन क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं, लेकिन हमें डिफरेंस के आधार पर याद करना है, या फिर सीधा लिख लें पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या अंतर होता है, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या अंतर होता है, या फिर SI इंजन और CI इंजन में क्या अंतर होता है, ये याद कर लें। इधर 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में क्या डिफरेंस है ये आप अच्छे से याद कर लें। कोई बहुत ज्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो आप सीधा 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में क्या होती है, तो 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, फिर 2 स्ट्रोक डीजल इंजन और 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन,
इस तरह कंप्लीट डिटेल भी आप अच्छे से पढ़ के जा सकते हो। लेकिन जिनको लग रहा है कि नहीं हम बहुत कम क्वेश्चन याद कर पाएंगे, हमसे याद नहीं होंगे, तो आपको जितना जितना मैं बता रहा हूँ उतना नोट कर लें, उसको रट लें और कॉन्फिडेंस रखें कि हमें सर ने जो बताया टॉपिक वो हम रट के जा रहे हैं और हमें फेल कोई नहीं कर सकता, इतना तो कॉन्फिडेंस रखें, है ना। बहुत सारे स्टूडेंटों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, है ना, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें। सारे के सारे वीडियो में मैक्सिमम टॉपिक पर बना चुका हूँ, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई सभी सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट की, वो उसको देख लें एक बार। तो जो जो टॉपिक बता रहा हूँ वो याद करते हुए चलें। अब फोर्थ नंबर के चैप्टर पर चलते हैं। किसी के पास नोट्स नहीं है तो उसको अनलॉक कर लें, जो भी फीस लग रही है उसका लोभ ना करें, अगर बैक होता है तो बहुत समय बर्बाद होता है, और जुगाड़ का सिस्टम ना रखें। किसी को प्रॉब्लम आ रही, कोई जानकारी लेना है, तो हमारा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9229666775, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर लें कोई प्रॉब्लम कोई भी डाउट हो तो। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है फिर फोर्थ चैप्टर में क्या मटेरियल्स हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो मटेरियल का सबसे पहला बेस्ट क्वेश्चन बनता है कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज हमें याद करना है। प्रॉपर्टीज पे सीधा प्रॉपर्टीज भी पूछा जा सकता है, या फिर हमें क्या पूछा जा सकता है, प्रॉपर्टीज के कुछ नाम दे दिए जाएंगे, उनको डिफाइन करने के लिए आएगा। क्या मटेरियल की प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। फिर सेकेंड क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट आता हुआ होता है पैटर्न, यहाँ पर लगा पैटर्न एंड अलाउंसेस भी पूछे जा सकते हैं। पैटर्न एंड अलाउंसेस क्या होते हैं, अलाउंसेस हम लिख दें, अलाउंसेस होते हैं ना पैटर्न, और उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो हमारी मेटल कास्टिंग है तो नॉर्मली कास्टिंग प्रोसेस क्या होती है, वैसे सभी को आना चाहिए, इंट्रोडक्शन में कास्टिंग प्रोसेस जब आप पढ़ लेंगे समझ लेंगे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कास्टिंग प्रोसेस तो हमें आना ही चाहिए कि क्या होती है, पूछा भी जा सकता क्वेश्चन, लेकिन पैटर्न है उसके अलावा हमें अच्छे से थोड़ा सा रट लें तो और मजा आ जाएगा। अब इसके आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग में डिफरेंस पूछा जा सकता है, हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग में क्या डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस पूछा जा सकता है, क्या हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग में क्या डिफरेंस होता है पूछा जा सकता है। फिर और भी इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, एक्सट्रूजन रोलिंग, ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ सकता है, ये भी रोलिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ सकता है, है ना, आईएमपी मोस्ट आईएमपी और आईएमपी। तो हमें कौन सी, एक्सट्रूजन प्रोसेस और रोलिंग प्रोसेस विथ टाइप्स का, विथ टाइप्स हमें याद कर लेना है। तो दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट होगा, ये अच्छे से याद कर लें, हमने याद रख के पहले भी बता रहा हूं, हम ये नहीं कह रहे कि फोर्जिंग ना पढ़े, पढ़ के सब जाए, लेकिन इनको रट के जाए जो क्वेश्चन मैं यहां पर बता रहा हूं। इसके अलावा फिर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे गैस वेल्डिंग, इसके हमें वर्किंग वगैरह जो भी इक्विपमेंट याद कर लेना, आईएमपी ये भी है, ये भी आईएमपी है, कौन सी, गैस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग। तो इसमें जो आईएमपी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं उसका मतलब है हमारे एबीसी में क्वेश्चन पूछे आना है, तो उम्मीद है सबसे क्वेश्चन बना सकता वो। तो ये जो टॉपिक जहां पर मैं हाईलाइट करते जा रहा हूं, जो मैं बता जा रहा हूं उनको याद कर लेना, तो इनसे जो भी टॉपिक बनेंगे जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो उसको आप लिख कर आ सकते हैं, क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये टॉपिक हमें तैयार करना अच्छे से। तो गैस वेल्डिंग हो गई, आर्क वेल्डिंग, इसमें ये सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग इस पर डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, तो ये दो सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग भी हमें याद कर लेना, इस पर डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो इस चैप्टर के भी मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं, अब आगे चलते हैं, लास्ट चैप्टर बचा हुआ उसको भी देख लेते हैं। तो यदि आपको लग रहा हो कि जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उससे कुछ फायदा मिल सकता है तो वीडियो को लाइक तो कर दें कम से कम, क्योंकि लाइक करने में भी आप लोग आलस करते हैं, मैंने देखा है मैक्सिमम। तो नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर है मशीन टूल एंड मशीनिंग प्रोसेस। इसमें जो पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता हुआ है लेथ मशीन का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, क्या कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है लेथ मशीन की, हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, लेथ मशीन का डायग्राम विथ एक्सप्लेन हमें सीख लेना है समझ लेना। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लेथ मशीन की ऑपरेशन लेथ मशीन की जितने भी टाइप्स के ऑपरेशन उनको अच्छे से हमें पढ़ लेना है, हो सकता है उसके ऑपरेशन कोई एक दो पूछ लिए जाए या फिर टाइप सीधे ऑपरेशन लिखने को आएंगे उनको एक्सप्लेन करना है। तो पहला लेथ मशीन की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग या पार्ट्स विथ एक्सप्लेन आ सकता है विथ डायग्राम, तो ये पहला क्वेश्चन बन जाता है। सेकेंड सेपर मशीन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेपर मशीन पर। इसके अलावा यहाँ पर जो क्वेश्चन ग्राइंडिंग मशीन है इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या ग्राइंडिंग मशीन, और क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे आएंगे, ड्रिलिंग मशीन क्या होती है उसकी कंपोनेंट समझाइए, है ना, तो
इस तरह के क्वेश्चन मशीनों पर डायरेक्ट पूछा जैसे मिलिंग मशीन हो गया, तो ये डायरेक्ट सभी मशीनें वैसे भी हमें याद करना चाहिए, मुझे लगता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो इन सभी मशीनों के बारे में एक एक बार हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। वैसे भी मैंने सब पे वीडियो बना दिए हैं, तो वीडियो एक एक बार देख लें, जब वीडियो एक एक बार देखेंगे तो कुछ तो समझ में आएगा ये कैसे वर्क करती है, कौन कौन से इक्विपमेंट है, उन इक्विपमेंट का क्या फंक्शन है वहां पर, तो सारे पार्ट्स हैं उनकी वर्किंग है, थोड़ा एक एक बार सभी वीडियो देख लें, क्योंकि जो मोस्ट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तो क्वेश्चन यहीं पर लेथ मशीन पे बन जाता है, उसके ऑपरेशन पे बन जाता है, फिर बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, तो सभी मशीनें थोड़ा थोड़ा याद कर लें, जैसे जहाँ मिलिंग मशीन हो गई है, सेपर मशीन हो गई है, जो प्लानर मशीन छोड़ कर चल भी जाएगा, ड्रिलिंग मशीन हो गई है, ग्राइंडिंग मशीन हो गई है, इस तरह हमें थोड़े थोड़े याद कर लेना है। तो यहाँ पर जितने भी टॉपिक हैं उन मशीनें हैं मैक्सिमम, उन मशीनों को समझना बहुत आसान होता है और आप उनको लिख भी सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा डायग्राम हमें याद रखना, इस चैप्टर के अंदर डायग्राम मुझे रट के जाना है, बिना डायग्राम के कुछ भी समझा के ना आए, तो ये फिफ्थ चैप्टर लास्ट चैप्टर है। ये जितने भी टॉपिक मैंने बताया उसको आप एक कॉपी पे नोट कर लें, उसके अलावा कुछ ना देखें, जो टॉपिक है उनको रट लें, और ये परेशान ना हो, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, इस तरह कोई माइंड में डाउट ना लाए, सीधा क्लियर कट है, जो टॉपिक मैंने बताया उसको नोट करना, उनको आज से ही रटना स्टार्ट कर देना। नोट्स नहीं है, बुक नहीं है, तो हमारी नोट्स अनलॉक कर लें एप्लीकेशन से। अनलॉक कैसे करना है, नंबर भी दे दिया मैंने, उस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्ट मैंने उस पर वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, उस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लें, तो और उससे उसको देखकर प्रोसेस कंप्लीट कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।